दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा है और साथ ही मुझे कोल्ड है तो शायद मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसके लिए सॉरी। दोस्तों अजय देवगन की वाइफ काजोल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, तो आज हम काजोल के उसी बयान को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर काजोल कहना क्या चाहती थी। लेकिन भाई साहब, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो दबा दो, क्योंकि घंटी आप नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो काजोल एक इंटरव्यू दे रही थी और उसमें काजोल ने कहा कि हमारे देश को कुछ अनपढ़ नेता चला रहे हैं और यही वजह है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। जरा गौर फरमाइए, काजोल कहती है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ना ही मैं काजोल को सपोर्ट कर रहा हूं और ना ही मैं उनके खिलाफ हूं। ये उनकी अपनी मर्जी है, वो कुछ भी कह सकती है, वो आजाद भारत में रहती है। लेकिन अगर काजोल यह कहती है कि हमारे देश को कुछ अनपढ़ नेता चला रहे हैं और यही वजह है कि देश तरक्की नहीं कर रहा है, तो फिर काजोल का यह बयान पूरी तरह सरकार के खिलाफ जाता है, क्योंकि सरकार तो यह कह रही है कि भाई देश में इस वक्त अमृतकाल चल रहा है, देश इतनी तरक्की कर रहा है कि दुनिया का कोई और देश इंडिया के मुकाबले में है ही नहीं। तो अब यह फैसला तो आप कीजिए कि काजोल ने सच कहा है या झूठ कहा है। लेकिन हां, यह मैं कह सकता हूं कि सरकार को काजोल का यह बयान पसंद नहीं आएगा, और अगर सरकार को चलाने वाले कुछ लोगों ने काजोल के इस बयान को दिल पर ले लिया तो भाई साहब फिर काजोल के घर पर ईडी भी आ सकती है, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान का कल ट्रेलर आने वाला है और यही वजह है कि मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। कुछ समोसा क्रिटिक्स तो यह भी कह रहे हैं कि यह फिल्म पठान से ज्यादा बिजनेस करेगी, यानी कि यह फिल्म इंडिया में 600-700 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना है कि बिटौड़े में तीर सिर्फ एक दफा लगता है, बार बार नहीं लगता। अनहोनी कभी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। तो मैं ऐसा समझता हूं कि बॉलीवुड में आगे 20 साल में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनेगी जो पठान का रिकॉर्ड तोड़ सके। कैनेडियन कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 भी आने वाली है और इसका ट्रेलर भी 11 तारीख को रिलीज होने वाला है। और मार्केट में जोर शोर से खबर यह है कि गदर 2 इस फिल्म को पछाड़ देगी, गदर 2 इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टिकने ही नहीं देगी, और यह मुमकिन भी है। उसकी वजह यह है कि पब्लिक ने अक्षय कुमार की फिल्में देखना बंद कर दिया है, अक्षय कुमार की फिल्में चल नहीं रही है। ऊपर से इस फिल्म में भांग पीकर एक्टिंग करने वाला मीठा डबल ढोल की त्रिपाठी भी है और उसके ऊपर से मरने वाली हीरोइन यामी गौतम भी है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म से निगेटिव लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं और पॉजिटिव कम। तो अगर गदर 2 इस फिल्म को फेल कर दे तो मुझे अचंभा बिल्कुल नहीं होगा। मैं यहां आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब अक्षय कुमार ने पान मसाला का एड किया था तो अक्षय कुमार ने उस वक्त कहा था कि मुझे जो भी 100-125 करोड़ रुपए इस एड से मिले हैं वो मैं किसी अच्छे काम में खर्च करूंगा और जल्दी ही करूंगा। भाई साहब, तकरीबन 1 साल हो गया, अब तक वो अच्छा वक्त आया नहीं है। अब तक तो अक्षय कुमार ने उसमें से 1 रुपया भी कहीं अच्छे काम में खर्च किया नहीं है। तो अक्की भाई, बता दो पब्लिक को कि ये काम आप कब करने वाले हो। दोस्तों आप तो सभी जानते हैं कि एक हाथी नुमा समोसा क्रिटिक हुआ करता था जिसका नाम था राजीव मसंद। आजकल इस आदमी ने फिल्मों का रिव्यू करना बंद कर दिया है और ये करण जौहर की कंपनी में काम करता है। तो अभी राजीव मसंद ने दुनिया को बताया है कि जब एक बार उसने एसआरके को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया था तो एसआरके ने कुछ शर्तें रखी थी और वो ये थी कि एक तो उस प्रोग्राम में बाकी हिस्सा लेने वाले लोग लड़के नहीं होंगे बल्कि लड़कियां होंगी, और उस प्रोग्राम के दौरान राजीव मसंद एसआरके से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेगा जहां एसआरके को किसी दूसरे एक्टर की तारीफ करनी पड़े। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसआरके अपने आप में कितना ऑब्सेस है। भाई साहब, वो बॉलीवुड के किसी भी एक्टर के बारे में एक अल्फाज अच्छा नहीं कहना चाहता कभी भी, और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एसआरके और बुढ़ऊ की दोस्ती कब तक चलेगी, क्योंकि एसआरके बहुत ही लालची आदमी है, तो कोई ना कोई एसआरके ऐसा काम कर देगा कि दोस्ती फिर से टूट जाएगी। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि जब फिल्म आदिपुरुष रिलीज हुई तो आदिपुरुष के डायलॉग्स को लेकर बहुत हंगामा हुआ। पब्लिक ने मनोज मुंतशिर को बहुत बुरा भला कहा जिसने ये डायलॉग्स लिखे थे, लेकिन मनोज भाई अपनी हठधर्मी पर अड़े रहे। मनोज भाई ने कहा कि नहीं नहीं, कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल मैंने सही डायलॉग्स लिखे हैं। फिर मनोज ने यह भी कहा कि चलो ठीक है भाई, पब्लिक को अगर एतराज है तो कुछ डायलॉग्स हम बदल देंगे, लेकिन मनोज भाई ने माफी मांगने की जहमत नहीं की। फाइनली फिल्म के रिलीज होने के तकरीबन 1 महीने के बाद अब आकर मनोज मुंतशिर ने पब्लिक से माफी मांगी है। मनोज ने कहा है कि मैं पब्लिक से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब मेरा मनोज भाई से सिर्फ इतना सा पूछना है कि भाई साहब, अगर आपको पता था कि आपसे गलती हो गई तो जब फिल्म रिलीज हुई थी दूसरे तीसरे दिन ही माफी मांग लेते तो शायद फिल्म को कुछ फायदा हो जाता। जब फिल्म का पूरी तरह नुकसान हो गया है, अब माफी
मांगने से क्या फायदा भाई। दोस्तों कल मिथुन दा की माँ का इंतकाल हो गया है और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनको स्वर्ग में जगह मिले। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक वक्त वो था जब एसआरके और फराह खान की बहुत बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि एसआरके ने फराह खान के हस्बैंड को पीट दिया था। लेकिन कुछ सालों के बाद फराह खान ने एसआरके से माफी मांग ली थी, क्योंकि फराह को पता था कि अगर एसआरके से दोस्ती नहीं रखेगी तो फिर बॉलीवुड में उनको कोई काम नहीं देगा। और अब पठान के हिट होने के बाद जब फराह खान ने एसआरके से कहा कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहती हूं आपके साथ, तो एसआरके ने अपनी जान बचा ली थी यह कहकर कि मैं आपकी फिल्म प्रोड्यूस करूंगा, मैं उसमें काम नहीं करूंगा, और क्योंकि फिल्म का निर्माता मैं हूं तो कोई भी एक्टर आपके साथ काम कर लेगा। अब बताया जा रहा है कि फराह खान ने सभी एक्टरों से बात की और कोई भी इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं है। फराह खान के साथ काम करने के लिए तैयार है सिर्फ अभिषेक बच्चन, सोनू सूद और रितेश देशमुख, और फराह खान को उनके साथ फिल्म नहीं बनानी है। तो फराह खान मायूस होकर वापस एसआरके के पास गए और एसआरके से कहा कि देखो भाई साहब, अगर आपको मेरी हेल्प करनी है तो आप मेरी फिल्म में एज एन एक्टर आइए, और अगर आपको उस फिल्म का निर्माता भी रहना है तो रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं अभिषेक या सोनू सूद के साथ फिल्म बनाऊंगी, तो भाई साहब मुझे पहले से ही पता है कि फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होगी, तो मैं फिल्म क्यों बनाऊं? तो इन एक्टरों के साथ फिल्म बनाने से अच्छा है कि मैं फिल्म ना ही बनाऊं, क्योंकि मुझे भी पता है कि उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मेरा करियर खत्म हो ही जाना है। तो बस मैं अभी से अपने करियर को खत्म मान लेती हूं, लेकिन मैं इनके साथ फिल्म नहीं बनाऊंगी। और एसआरके ने भी बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि मैं आपकी फिल्म में एज एन एक्टर नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ फिल्म का निर्माण कर सकता हूं, एक्टर जो आपको मिलता है उसको लेकर आइए, आपको फिल्म बनानी है तो बनाइए और नहीं बनानी है तो मत बनाइए। दोस्तों लास्ट फ्राइडे को 2-3 बहुत बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी भाई साहब, इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है भाई साहब, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है ये फिल्में। इनमें एक फिल्म थी विद्या आंटी की नियत, जिसने 3 दिन में बिजनेस किया है 1.5 लाख रुपए का। दूसरी फिल्म थी छिला हुआ अंडा जैसा दिखने वाला अनुपम खेर की, ये मेरा रिवेंज, और भाई इस फिल्म ने तो सारे ही रिकॉर्ड्स को तबाह कर दिया है। इस फिल्म ने 3 दिन में बिजनेस किया है तकरीबन 20,000 रुपए का। और एक और बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी भाई, 72 हुरे, भाई साहब इस फिल्म ने तो तूफान मचा दिया है। ओहो हो भाई साहब, इस फिल्म ने 3 दिन में बिजनेस किया है 50 लाख रुपए का। यानी तीनों ही फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर रही है। आप सभी लोग गोविंदा के भांजे कृष्णा को जानते हैं भाई साहब, ये बंदा बॉलीवुड में तकरीबन 25 साल से काम कर रहा है, लेकिन कमाल ये है कि 25 साल पहले इसने सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू किया था और आज 25 साल के बाद भी ये सी ग्रेड फिल्मों में ही काम कर रहा है, मतलब एक कदम भी आगे नहीं गया ये भाई साहब, कमाल है इस आदमी के यार। इसकी एक नई सी ग्रेड फिल्म आ रही है जिसका नाम है फायर ऑफ द लॉ रेड। अब इस भाई ने पैसों के लिए फिल्म में काम तो कर लिया, लेकिन इसको भी पता है कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रहेगी। तो अब जो निर्माता है वो इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं और वो इससे कह रहे हैं कि भाई साहब इस फिल्म का प्रमोशन करो, ये कुछ भी बहाने मिलाकर उस फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा है। और निर्माता इससे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये बेचारा निर्माताओं को ये तो कह नहीं सकता कि भाई जो पैसे आपने मुझे दिए हैं वो बर्बाद कर दिए हैं, जो पैसे इस फिल्म पर लगाए हैं वो बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि इस फिल्म को कुत्ता भी नहीं देखेगा, मेरे लिए तो मेरे पड़ोसी भी फिल्म नहीं देखते, मेरा नाई मेरा धोबी भी फिल्म नहीं देखता, तो पब्लिक तो क्या देखेगी, कुछ भी रोजाना नया बहाना बना देता है। अरे कृष्णा भाई ऐसा मत कर यार, देख तूने निर्माताओं को लूट लिया ठीक है, लेकिन कम से कम उनको ये तो बता दे कि भाई इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं आएगा, ये फिल्म डिजास्टर होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एकता कपूर सेक्स के लिए कितनी ऑब्सेस्ड है, वो बेचारी सीरियल बनाए, वेब सीरीज बनाए या फिल्म बनाए, सेक्स होना जरूरी है, इसीलिए उस बेचारी ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं हिंदुस्तान में जिनके नाम भी कमाल है, गंदी बात 1, गंदी बात 2, गंदी बात 3, गंदी बात 4, मतलब इस लड़की को गंदी बात पे भी रुकना नहीं है भाई साहब। इसकी एक सेक्सी फिल्म आई थी काफी सालों पहले, लव सेक्स एंड धोखा, अब ये मैडम लव सेक्स एंड धोखा 2 बना रही है, और इसका ये मानना है कि हिंदुस्तान की पब्लिक इतनी डेस्परेट है कि इस मैडम की ये सेक्स फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। बिल्कुल सही जा रही हो एकता मैडम। लेकिन एकता जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दिया है, ऐसी सेक्सी फिल्में सेक्सी वेब सीरीज बना के आप पैसा कमाती हो, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए मैडम जी। दोस्तों अक्षय कुमार ने एक साउथ फिल्म का रीमेक किया है और यह फिल्म काफी दिनों से तैयार पड़ी हुई है रिलीज के लिए, बार बार इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस होती है और चेंज हो जाती है। भाई साहब यह फिल्म बिल्कुल तैयार है रिलीज होने के लिए, लेकिन आज तक अक्षय कुमार इस फिल्म का नाम नहीं रख सका, आप अंदाजा लगाइए। अब अक्षय कुमार ने ऐलान किया है कि उनकी यह फिल्म अगले साल 16 फरवरी को रिलीज होगी, लेकिन आज भी अक्षय कुमार
कुमार ने इस फिल्म का नाम का ऐलान नहीं किया, बल्कि यह कहा कि मेरी सुधा कोंगरा डायरेक्टेड फिल्म अगले साल 16 फरवरी को रिलीज होगी। अरे भाई साहब, जिस फिल्म का आप नाम भी नहीं रख पा रहे हो, आपको भी पता है वो कितनी बड़ी डिजास्टर होने वाली है, तो रिलीज क्यों करना चाहते हो? ओटीटी पे रिलीज करके निकल लो, इज्जत बचा लो भाई साहब। दोस्तों, आप सभी जानते हैं द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को। इस बेचारे ने जिंदगी भर फ्लॉप फिल्म्स बनाई है, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा था कि उसने बुढ़ापे में 150-200 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो उसकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स चल गई। और अब वो बेचारा इतना परेशान है कि बात मत पूछो भाई साहब। उसने एक और फिल्म बनाई है द वैक्सीन वार। अब इस फिल्म को लेकर विवेक रोजाना नया ड्रामा करता है। कभी कहता है कि ये फिल्म सलार को टक्कर देगी, कभी कहता है ये फिल्म जवान को टक्कर देगी। अरे विवेक भाई, माफ कर दो भाई साहब, इस पब्लिसिटी से भी कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है कि आपकी फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, आपकी फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होगी। वो एक तुक्का लगना था, लग चुका, अब कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। चुपचाप घर बैठ जाओ, इस ड्रामे से कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक्ट्रेस ऐसिन का डिवोर्स हो गया है, लेकिन ऐसिन ने कहा कि नहीं, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ। हालांकि ऐसिन ने अपने इंस्टा अकाउंट से अपने हस्बैंड के साथ जितनी भी फोटोज थी वो सब डिलीट कर दी हैं। अब ऊपर वाला जानता है कि डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो ऐसिन ही जानती है या ऐसिन का हस्बैंड जानता है। लेकिन मेरा ऐसिन मैडम से ये पूछना है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? बकरे का एक दिन तो नंबर आना ही है। और दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसिन को अपने हस्बैंड से प्यार नहीं था, उसको उसका हस्बैंड पसंद नहीं था। एक्चुअली बॉलीवुड में एक एक्टर है, जो भी एक्ट्रेस उसके साथ काम करती है वो उसकी फिक्सिंग किसी ना किसी से करा देता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसिन भी एक एक्टर के साथ काम कर रही थी और उस एक्टर ने ही ऐसिन की मुलाकात अपने दोस्त से कराई थी, फिर दोनों की शादी करा दी। तो जाहिर सी बात है, ये शादी बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल बिग बॉस ओटीटी चल रहा है और इस शो ने सारी हदें पार कर दी है। इसमें फुल नंगापन चालू है, इस शो में खूब गंदी गंदी चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हो कि जो इस घर में लोग हैं वही ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही गलत है भाई साहब। इस शो का जो होस्ट है ना, वो होस्ट करते हुए सिगरेट पी रहा है। आप जरा गौर से देखें इस फोटो को, ये उसी वक्त का फोटो है जब शो लाइव था और होस्ट के हाथ में सिगरेट है। आप जरा गौर से देखें, तो आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया कहां आ चुकी है, हमें क्या क्या देखना पड़ रहा है। न्यूज चैनल्स पर डेली कोई ना कोई किसी ना किसी की मां बहन करता है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को लात मार रहा है। टीवी पर लाइव 5-10 मिनट की किस दिखाई जा रही है और शो का एंकर शो होस्ट करते हुए सिगरेट पी रहा है। हो गया ना कमाल। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।